हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगले महीने सैमसंग की नई सीरीज लॉन्च होने वाली है, जो कि होगी सैमसंग की एफ सीरीज, और उसके अंदर सबसे पहला फ़ोन आने वाला है सैमसंग का गैलेक्सी F41। और इस फ़ोन को देखा गया है गूगल के प्ले कंसोल के ऊपर लिस्टेड हो गया है, और उसके साथ ही हमको इसके स्पेक्स भी पता चल जाते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाती है फुल HD प्लस इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, और इसके साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप भी मिल जाएगा। और बैटरी तो आपको सैमसंग अच्छी खासी दे ही रहा है, यानी कि आपको इसमें भी एक बड़ी 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक यू नोच देखने को मिल जाएगी, और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर ही मिलेगा क्वाड रियर कैमरे का सेटअप। और दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगी 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 405 PPI। उसके साथ में आपको प्रोडक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपको इसमें मिलेगा सैमसंग का ही चिपसेट। इसमें आपको मिल जाएगा सैमसंग का एक्जिनोस 9 Octa 9611 का चिपसेट, और इसके साथ में आपको 4 GB की रैम भी मिल जाएगी। आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगी 6 GB की रैम। उसके साथ में आपको इंटरनल स्टोरेज भी अच्छी खासी मिल जाएगी, आपको इसमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर लीजिए, आपको इसमें पीछे की तरफ तो मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो इसमें दिया गया है 64 MP का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा है वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, जो कि दिया गया है 8 MP का कैमरा। और तीसरा कैमरा आपको इसमें 5 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, और चौथा कैमरा भी आपको इसमें 5 MP का एक मैक्रो लेंस मिलने वाला है। और दोस्तों, आपको इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको इसमें मिलने वाला है एक 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात कीजिए, बैटरी तो आपको इसमें बड़ी बैटरी मिल ही रही है, यानी कि आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। उसके साथ में आपको फास्ट चार्जिंग के स्पॉट भी मिल जाएगी, एक 25W का सुपर फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिलने वाला है। और दोस्तों, ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में भी मिल जाएगा, आप दोनों नैनो सिम डाल सकते हो, इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक इसके साइड पर होने वाला है, जहाँ इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है वहीं पर इस बार आपको सैमसंग एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देने वाला है। लास्ट में दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, इसका प्राइस होने वाला है 15,999 रुपये, यानी कि 16,000 का ये फ़ोन होगा, जो कि अगले महीने 9 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी F41। तो दोस्तों, आप लोगों को इस प्राइस में ये फ़ोन कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कौन से फ़ोन के साथ और एक कौन से वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।